Good morning, students. I am HR Singh, your English teacher, and today we will read our next chapter. The chapter is The Rainbow. It is our fifth chapter, and The Rainbow. Rainbow, it is a poem, and we will read and we will enjoy this poem. देखिए बच्चों, रेनबो का मतलब क्या होता है? आपको पता रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष. ये कब होता है? जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद, बरसात में, रेनी सीजन में, और बरसात में बारिश रुकने के बाद जब हम देखते हैं क्या कि एक धनुष बो टाइप का जो है, बहुत सारे कलर्स में, यानी कि लगभग सेवन, इसमें जो है रेनबो में कितने कलर? तो सेवन. तो सेवन कलर्स में जो है एक बो टाइप का धनुष टाइप का जो है दिखाई देता है, तो बड़ा सुंदर लगता है. उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उन कलर्स को देख करके जो है बड़ा अच्छा लगता है. तो उसे जो है रेनबो यानी कि इंद्रधनुष कहा जाता है. ठीक है, तो उसी के ऊपर ये पोयम है. तो बच्चों मैं पढ़ूंगा, उसे ध्यान से समझना आप. ठीक है. बोट्स सेल ऑन द रिवर्स. नाव नदी पर तैरती हैं. जो नाव होती हैं, बोट्स नाव को कहते हैं, तो वो नदी पर तैरती हैं. एंड शिप्स सेल ऑन द सीज. और जो जहाज़ होते हैं वो कहाँ पर तैरते हैं? समुद्र में तैरते हैं. क्योंकि जहाज जो होते हैं बड़े होते हैं, बोट छोटी होती है. तो बोट तो नदी में तैर सकती है, लेकिन शिप जो होते हैं वो नदी में नहीं तैर सकते. ओके, तो इसलिए वो सीज में तैरते हैं. बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई. लेकिन जो बादल होते हैं, है ना, वो कहाँ? वो पूरे आसमान में तैरते हैं, इधर से उधर तैरते रहते हैं, है ना. जब हम देखते हैं रेनी सीजन में, या अभी भी अगर हम देखें, तो बादल इधर से उधर घूमते रहते हैं. तो वो कहाँ सेल करते हैं, कहाँ यात्रा करते हैं? इधर से पूरे आसमान में करते रहते हैं. आर प्रीटियर देन दीज. और ये जो बादल होते हैं, इन सभी से बहुत सुंदर दिखाई देते हैं. देर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर. अब आगे पोएट क्या कह रहा है कि जो ब्रिज, ब्रिज किसे कहते हैं? पुल, है ना. पुल जो होते हैं नदी पर होते हैं बने हुए. ठीक है, तो उन वो ब्रिज कहाँ पर? नदियों पर बने होते हैं. तो जो ब्रिज होते हैं वो नदियों पर बनते हैं. एज़ प्रिटी एज़ यू प्लीज़. और तुम देख कर उन ब्रिज को, क्योंकि शानदार ब्रिज होते हैं, कुछ झूलते हुए, है ना, बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं. तो उन्हें देख करके हम बड़ा अच्छा लगता है. तो वे ब्रिज हमें मतलब मैसमराइज करते हैं, मतलब सम्मोहक करते हैं. बट द बो, बो मतलब धनुष, दैट ब्रिज इज हेवन. लेकिन पता है बच्चों, जो इंद्रधनुष होता है वो स्वर्ग में ब्रिज बनाता है, मतलब पुल बनाता है. देखा होगा ना आपने, जो ईस्ट साइड में जो है निकलता है, उसमें सेवन कलर्स होते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक धनुष के समान होता है. और वो कहाँ से ब्रिज बनाता है? हेवन, है ना, स्वर्ग में बनाता है. एंड ओवर टॉप्स ऑफ ट्रीज. और जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर से बनाता है, उनके ऊपर से होता हुआ वो ब्रिज बनता है, जो इंद्रधनुष कहलाता है. एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई. और पता है एक सड़क बनती है कहाँ से? धरती से आकाश की तरफ, आसमान की तरफ, जो बहुत ही आकर्षक लगती है. इज प्रीटर फार देन दीज. और वास्तव में इन सभी में जो है वो इंद्रधनुष बहुत ही सम्मोहक, बहुत ही मनोहर, बहुत ही प्यारा लगता है. तो जब हम रेनी सीजन होता है तो हम उसे देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, है ना. सेवन कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसमें जब हम मतलब बच्चे के रूप में हम जब देखते हैं उसे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ रेनी सीजन में, है ना. तो इस तरह से जो है यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो वो होती हैं नाव, वो नदी पर चलती हैं, जो नदी में तैरती हैं शिप सीज में, लेकिन जो बादल होते हैं वो कहाँ? वो पूरे आकाश में तैरते हैं. उसी प्रकार इसमें ब्रिज जो होते हैं वो नदियों में बनते हैं, लेकिन जो वो यानी कि इंद्रधनुष होता है वो स्वर्ग में बनाते हैं ब्रिज अपना, है ना, स्वर्ग में पुल बनाते हैं, और पेड़ों के ऊपर से. ठीक है, और उनकी जो सड़क होती है, जो ब्रिज की जो रोड होती है, वो धरती से आकाश को क्या करती है? मिलाती है. ठीक है, वो सड़क बनती है, और जो वास्तव में बहुत ही प्यारी और बहुत ही सम्मोहक लगती है. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, है ना. एंड वी हैव टू रिसाइट दिस पोएम अगेन अगेन. Okay, thank you.